वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज आपके समक्ष लाया हूँ हिंदी साहित्य के लगभग 120 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखने के लिए तो ये 120 होंगे, परंतु इन्हीं के साथ आपको मैं और भी तथ्य बताऊंगा जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा करना है, नोटबुक उठानी है, जो जो तथ्य मैं आपको बताऊंगा उनको लिखना है। तो तैयार हो जाइए, सभी प्रश्नों के तथ्य लिखने हैं और थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप शांत रहिएगा और पूरे तथ्यों को नोट करिएगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अंगिका किस राज्य की बोली है। तो जो अंगिका है ये आपके बिहार क्षेत्र की बोली होगी। अगला है, नाटक में कार्य अवस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसे संधि कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाटक में कार्य अवस्था और अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह संधि होता है। तो आगे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधियों के कितने प्रकार होते हैं। ये संधि विच्छेद वाला नहीं, अलग है नाटकों का संधि। तो जो संधियों में पांच प्रकार होते हैं, तो देखिएगा, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो ये पाँच नाटक की संधियाँ होती हैं। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अयोगवाह किसे कहा जाता है। तो जो अयोगवाह के अंतर्गत आती है विसर्ग, तो इनको ध्यान रखना है। तो विसर्ग के ये चिन्ह होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अगला है, रसोपकर्षक दोषा उक्ति किसकी है। तो जो यहाँ पर उक्ति होगी तो ये आचार्य विश्वनाथ की होगी, तो ये भी महत्वपूर्ण होगा। अगला है, आचार्य भरत के अनुसार गुण दोष की संख्या कितनी है। तो ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि जो आचार्य भरत मुनि हैं इन्होंने गुण और दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि गुणों की संख्या आचार्य भरत के द्वारा कितनी मानी गई है, तो ये 10 मानी गई है। अगर ये पूछा जाए आचार्य भरत के अनुसार दोष कितने माने गए हैं, तो ये 10 माने गए हैं। गुण भी 10 माने हैं और दोष भी। अगला प्रश्न देखिए, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो जो साधारणीकरण है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भट्ट नायक के द्वारा। अगर जो भट्ट नायक है ये आचार्य भरत के द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र उसके व्याख्याकारों में से सम्मिलित हैं। अगला है, घनाक्षरी किस प्रकार का छंद है। तो जो घनाक्षरी है यह वार्णिक छंद है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता संबंध किस भाव से है। तो इन तीनों का ही संबंध विभाव से होगा। देखिए, एक है भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता, तो इन सभी का संबंध होगा विभाव से। अगला है, बघेली बोली का संबंध है। तो बताना है कि जो बघेली बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो ये पूर्वी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आती है बघेली। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पुस्तक नारी का मुक्ति संघर्ष डॉक्टर अमरनाथ एवं स्त्री संघर्ष का इतिहास राधा कुमार का होगा। तो देखिए क्या है, पुस्तक है नारी का मुक्ति संघर्ष, किसकी रचना होगी ये, तो ये हो जाएगी डॉक्टर अमरनाथ। इसी के साथ स्त्री संघर्ष का इतिहास ये किसकी रचना होगी, तो ये राधा कुमार की रचना हो जाएगी। आगे देखिए, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है। तो जो कवि त्रिलोचन है इनका पूरा नाम होगा वासुदेव सिंह त्रिलोचन। अगर पूछा जाए कई बार आपसे जो ये त्रिलोचन है इनका संबंध किस बात से रहा है, तो ये मुख्यतः प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मूल उद्देश्य या प्रतिपाद्य क्या है। तो देखिए, कहानी है उसने क्या कहा था, इसका जो मूल प्रतिपाद्य रहेगा आदर्श प्रेम रहेगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1915 हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन होंगे कहानी के, तो ये हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है 13, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है। तो देखिए, पहले तो ध्यान में रखना आपने कि जो करुणालय है किसका नाटक होगा, जयशंकर प्रसाद जी का। और इसका अगर नाट्य रूप पूछा जाए तो ये क्या होगा, तो ये गीति नाट्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी टीम के द्वारा PGT हिंदी, IIT कमीशन और IIT टेट के लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं और ये ऑनलाइन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा PGT हिंदी और IIT कमीशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी बनाए गए हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो, तो किसी की भी डिमांड हो, तो आप हमें व्हाट्सएप माध्यम से बता सकते हो। तो ठीक है, अब अपनी वीडियो की ओर रुख करते हैं।
अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? तो ये छायावाद की विशेषता थी, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली, ठीक है, ये दोनों ही विशेषताएं छायावाद की रही हैं। अगला है, तो देखिए यहाँ छायावाद से भी आपसे प्रश्न कई बार भी ये बनता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर्वमत के अनुसार अगर पूछा जाए तो ये जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगर छायावाद के चार आधार स्तंभ पूछे जाए तो उनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और अपने निराला जी और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के चार आधार स्तंभ हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 15, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, तो प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16, हिंदी के किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में सिंधु नदी के पश्चिमी तट के अबाण हिस्से का जिक्र किया है? तो ये किया है द्रोणवीर कोहली के द्वारा, और किस उपन्यास में किया है? तकसीम में, जो तकसीम नामक उपन्यास है इसमें द्रोणवीर कोहली ने सिंधु नदी के पश्चिमी तट अबाण क्षेत्र के बारे में जिक्र किया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए द्रोणवीर कोहली मुख्यतः किस विधा के रचनाकार थे, तो ये उपन्यास के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 17, क्या पूछा गया है, गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका प्रवास की घटना का वर्णन किस उपन्यास में है? तो ये होगा पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास में। तो इसका जो विषय है ये गांधी जी पर आधारित है, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका प्रवास की घटना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 18, कला कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये बाबू गुलाब राय का होगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो गुलाब राय जी हैं इनका संबंध मुख्यतः किस विधा से रहा है, तो इनका मुख्यतः संबंध रहा है निबंधों से, इन्होंने अत्यधिक निबंधों की रचना की है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस एक उपन्यासकार ने बावरी विध्वंस पर उपन्यास लिखा है? तो ये लिखा है दूधनाथ सिंह के द्वारा, और कौन सा उपन्यास है वो? तो वो है आखिरी कलाम। जो आखिरी कलाम है यह दूधनाथ सिंह का उपन्यास होगा और इसका विषय है बाबरी विध्वंस। विधा याद रखिएगा, उपन्यास विधा की रचना है, अक्सर उपन्यास जो विधाएं होती हैं यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यास गोबर गणेश का नायक कौन है? तो जो गोबर गणेश का नायक होगा तो ये विनायक होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो गोबर गणेश है इसका नायक कौन है? विनायक है। और गोबर गणेश किसका उपन्यास है? रमेश चंद्र शाह का। अगर ये पूछा जाए गोबर गणेश की विधा क्या है, तो ये उपन्यास हो जाएगी। अगला प्रश्न है 21, विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा उपन्यास घटना विहीन उपन्यास है? तो ये हो जाएगा नौकर की कमीज, यह उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल का, और यह घटना विहीन उपन्यास है। अगला प्रश्न है, त्रोइका उपन्यास किन तीन उपन्यासों का संयुक्त नाम है? तो पहला हो जाएगा स्नोफार, क्या होगा? स्नोफ्लावर। दूसरा हो जाएगा पेगी करमेर की रूहानी यात्रा, और तीसरा हो जाएगा जोंके। ये तीन जो उपन्यास है इनका संयुक्त नाम हो जाएगा त्रयोइका। अगला प्रश्न देखिएगा 23, हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहिए, यह नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे, किसका कथन होगा? माखनलाल चतुर्वेदी जी का ये कथन हो जाएगा। अगला है 99, उपन्यास रविंद्र वर्मा का है जो झांसी और झांसी निवासी रामदियाल के परिवार को केंद्र में रखकर रचा गया है। तो ध्यान में रखना है कि जो 99 है ये क्या है, यह एक उपन्यास है, किसका उपन्यास होगा? रविंद्र वर्मा का होगा, और इसका विषय क्या है? झांसी क्षेत्र में रह रहे निवासी रामदियाल के परिवार को केंद्र में रखा गया उपन्यास होगा ये। अगला प्रश्न है, किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखाई थी? तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, प्रणब कुमार बंदोपाध्याय के किन दो उपन्यासों का संदर्भ अयोध्या कांड है? तो एक तो हो जाएगा पदातिक और दूसरा हो जाएगा पंचवटी, ये दोनों ही उपन्यास किसके होंगे? प्रणब कुमार बंदोपाध्याय के, और इसका संदर्भ अयोध्या कांड से है। अगला प्रश्न है 27,
कौन सा उपन्यास कमलाकांत त्रिपाठी ने 1857 की घटना को केंद्र में रखकर लिखा है? तो ये हो जाएगा पाहीघर। जो पाहीघर उपन्यास है ये कमलाकांत त्रिपाठी का है और इसका जो विषय है या घटना केंद्र में जो रखी गई है तो ये 1857 की घटना हो जाएगी या क्रांति हो जाएगी। अगला देखिए 28, कानपुर का गोधुली गांव किस उपन्यास का केंद्र है? तो ये हो जाएगा रमला बहू और रूपसिंह चंदेल। ठीक है, अगला प्रश्न है 29, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा उदंत मार्तंड। तो जो उदंत मार्तंड है ये हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र था और जो इसका प्रकाशन वर्ष है ये कलकत्ता है। अगला प्रश्न है 30, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए? अभी मैंने पीछे बताया था जयशंकर प्रसाद। यहाँ से देखिए दो चार तथ्य आपको बता देता हूँ कि जो जयशंकर प्रसाद है इनका जो महाकाव्य माना जाता है तो ये कामायनी है। कामायनी इनका महाकाव्य है। अगर आपसे प्रश्न बन सकता है कि कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है तो 15 इसमें सर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 31, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका होगा? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न 32, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो जो प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास हो जाएगा तो ये मंगलसूत्र हो जाएगा। मंगलसूत्र की ये रचना कर रहे थे परंतु इनके आकस्मिक मृत्यु के कारण ये उपन्यास अधूरा ही रहा है। जो इनका प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है तो वो है गोदान, इसके पश्चात गवन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, ये इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। अगला है 33, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये रचना हो जाएगी उर्वशी। इसी के साथ इनकी और भी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, सामधेनी, रश्मिरथी, ये इनकी प्रमुख रचना है। याद रखना है कि जो उर्वशी है इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा भी इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। जो ये रचना करते थे इनकी रचनाएँ ओज प्रधान होती थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 34, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो जो रचना है सुहाग के नुपुर, इसके रचनाकार हो जाएंगे अमृतलाल नागर। अगला है 35, संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है? तो देखिए संस्कृति के चार अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना होगी। अगला जो प्रश्न है 36, क्या पूछा गया है, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो अगर आपसे ये प्रश्न बने कि जो अशोक के फूल है ये किस विधा की रचना है, तो ये निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 37, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? तो जयशंकर प्रसाद जी झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हो जाएंगे। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1918 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है 38, क्या पूछा गया है इसमें, दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात, पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो छायावाद का वो कौन सा कवि या रचनाकार था जो प्रकृति का सुकुमार कहलाता था, तो ये सुमित्रानंदन पंत ही थे। अगर इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो ये वर्तमान में तो उत्तराखंड है परंतु जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय ये यूपी के ही अंतर्गत आता था, ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए 39, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट है, ये कथन हिंदी के किस आलोचक का होगा? तो ये कथन हो जाएगा रामविलास शर्मा का। तो देखिए यहाँ पर रामविलास शर्मा आगे हैं तो ये मुख्यतः आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं और इन्होंने निराला की एक जीवनी लिखी है, निराला की साहित्य साधना, इसका भी ध्यान रखना है। अगर निराला की साहित्य साधना के खंड पूछे जाएं कितने हैं तो ये 3 खंडों में विभाजित हैं। अगला प्रश्न देखिए 40, राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो रचनाओं का सार तत्व समाहित है? एक तो हो जाएगा जागो फिर एक बार और दूसरा हो जाएगा तुलसीदास। तो यहाँ से आपको निराला की 3 रचनाओं का पता चल रहा है, एक तो हो जाएगी राम की शक्ति पूजा, दूसरा जागो फिर एक बार, तीसरा तुलसीदास, ये तीनों ही रचनाएं निराला की हो जाएंगी। यहाँ से ध्यान रखिएगा राम की जो शक्ति पूजा है इसमें जो दो कविताएं हैं
जागो फिर एक बार और तुलसीदास इनका सारतत्व समाहित है। अगला प्रश्न है 41, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जो भारत भारती काव्य है इसके रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ये देखिएगा जो भारत भारती है इसमें जो भारत देश है इसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया गया है। किस प्रकार भारत प्राचीन समय में सोने की चिड़िया के तौर पर जाना जाता था, परंतु वर्तमान स्थिति इसकी क्या हो गई है और आगे किस प्रकार की इसकी स्थिति बन सकती है उसके बारे में भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इसमें जिक्र किया गया है। तो देखिएगा जो मैथिली शरण गुप्त है इनका संबंध पूछा जा सकता है कि किस युग से रहा है, तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 42, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए 43, रसमीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो जो रसमीमांसा रस सिद्धांत संबंधित पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से आपको दो चार तथ्य बता देता हूँ। देखिए जो रामचंद्र शुक्ल हैं इनसे आप भली भांति वाकिफ होंगे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा गया है। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा का एक रीढ़ माना जाता है। ठीक है, इनका इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 होगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था, तो ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए विकल्प सी, धनपाल की रचना जसर चरयू नहीं होगी, बाकी जो सुमिलित रचनाएं होंगी उन्हें मिला लेते हैं, कि जो अब्दुल रहमान की रचना हो जाएगी संदेश रासक सही है, जो इंदु की रचना हो जाएगी परमात्म प्रकाश सही है, और रामसिंह की रचना हो जाएगी पाहुन दोहा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल का वो कौन सा कवि है जो अत्यधिक रहस्यवाद के तौर पर जाना जाता है, तो ये रामसिंह ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 42, दसवीं से चौदहवीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग इसे पुरानी हिंदी कहते हैं, प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इम्पॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा जमुना माझे रे बहार नाई, तो जो ये प्रस्तुत पंक्ति यहाँ पर पूछी गई है इसे वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो ये डोम्बीपा की पंक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है 44, भक्तिवाद प्रसिद्धों का प्रभाव है, इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है, तो प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये कथन भी हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक, इनका किसी भी विद्वान के द्वारा कटाक्ष नहीं किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना उसे आगे के विद्वानों के द्वारा भी माना गया था, परंतु जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने जहां पर इन्हें लगता था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गलत मत प्रस्तुत किया है वहां पर इन्होंने सही मत प्रस्तुत करने की कोशिश की है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये एक ऐसे इकलौते विद्वान हैं हिंदी साहित्य में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 45, बोलाई बाहुबली बलवंत लोहखंडे तड गर्भ्यू हंत चक्र सरी सऊ चुनव करयू, तो जो प्रस्तुत पंक्ति है पूछा गया है किसकी ये पंक्ति हो जाएगी, तो ये शालीभद्र सूरि की पंक्ति हो जाएगी। आगे देखिए, एक सेती पटा एक नील पटा एक तिलक जनेऊ एक लंबी जटा, प्रस्तुत पंक्ति किसकी होगी? तो ये चरपटनाथ की हो जाएगी। अगला प्रश्न है 47, संदेशा पिन साहिवा पाछो फिरिय ना देहे पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह, तो जो प्रस्तुत पंक्ति होगी किसकी हो जाएगी? खुमान रासु ग्रंथ की। अगला प्रश्न है 48, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासो में कितने छंद हैं? तो इसमें हो जाएंगे 216 छंद। तो देखिए संदेश रासो किसकी रचना हो जाएगी? तो ये अब्दुल रहमान की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 49, निम्न में से किस कृति में विद्याधर
शारंगधर, जज्जल और बब्बर इन कवियों की रचनाओं को संग्रहित या रचा गया है। तो ये हो जाएगा प्राकृत पेंगलम। इसके जो ये रचना है प्राकृत पेंगलम, इसमें विद्याधर हो गए, शारंगधर हो जाएंगे, जज्जल और बब्बर इन तीन इन चारों की ही रचनाओं को संग्रहित किया गया है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नाथ संप्रदाय से परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुआ है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई। प्रस्तुत कथन किसका होगा ये? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो यहाँ से जिनल हटा दीजिए, यहाँ पर होगा जिन संत साधकों की रचनाओं से। अगला प्रश्न देखिए। शुक्लानुसार हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किन भाषाओं का समावेश किया गया है? तो जो शुक्लानुसार हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, इनमें जो भाषाएं संग्रहित हैं या जिन भाषाओं में रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं तो वे थी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। आगे है 52। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गुलेरी जी, यहाँ तात्पर्य है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, इन तीनों ही विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 53। देशभाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही माना जाना चाहिए। तो ये कथन किसका होगा? तो ये बच्चन सिंह का कथन हो जाएगा। तो जो बच्चन सिंह हैं, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था विद्यापति को। तो जो इनकी रचना है पदावली, इसको भी ये प्रथम रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है 54। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायव्य है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य। प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का ही। क्या कहते हैं? विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायव्य है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य। अगला प्रश्न है 55। अपभ्रंश के वाल्मीकि किस जैन कवि को कहा जाता है? तो जो स्वयंभू है, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, और इनका संबंध किस धर्म से रहा है? जैन संप्रदाय से संबंधित रहे हैं स्वयंभू। अगला प्रश्न है 56। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का राम कुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न मिस टाइप हुआ है। तो यहाँ पर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या होगा? तो ये हो जाएगा 13वीं शती। तो देखिए, जो गोरखनाथ थे, इनके द्वारा नाथों की वास्तविक रूप से स्थापना की गई थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। अगला जो प्रश्न है, अंजन माही निरंजन भेटिया तिल मुख भेटिया तेल। तो जो ये प्रस्तुत पंक्ति होगी किसकी होगी? ये गोरखवाणी जो रचना है वहाँ से उठाई गई है। अगला प्रश्न है 58। खुमान रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ से प्राप्त की गई थी या कहाँ पर संग्रहित की गई थी? तो ये संग्रहित की गई है पुणे संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, कैमासबद्ध प्रसंग किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंतर्गत कैमासबद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर पद्मावती जो अपना सर्ग है या समय है उसको भी संग्रहित किया गया है। इसी के साथ रेवा तट, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कैमासबद्ध, इसके पश्चात पद्मावती सर्ग, इसके पश्चात रेवा तट सर्ग। ये 3-4 सर्ग हैं, ये पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पूछा जाए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन होंगे, तो ये चंद्रबरदाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 60। पृथ्वीराज रासो रचना को शुकी संवाद के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है 61। बिसलदेव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पहले किसने लिखा था? तो ये लिखा था या कहा गया था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि जो बिसलदेव रासो है ये वीर गीत के तौर पर लिखी गई पुस्तक है, ये मत शुक्ल जी का था।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1272 महारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाला रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है, तो ये बिसल देवरासो ग्रंथ से ली गई है। अगला प्रश्न है 63, किसके अनुसार विद्यापति की रचना स्वांतः सुखाय होगी। तो जो स्वांतः सुखाय है तो ये बच्चन सिंह के अनुसार माना गया है। बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, विद्यापति को। अगला प्रश्न है विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाघ कवि किसने माना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना था, तो ये ग्रियसर के द्वारा माना गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 65, विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना होगा। क्या कथन है, विद्यापति के पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना, किसने कहा ये कथन, तो ये कहा था बच्चन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 66, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक क्या है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए किस संबत की कल्पना की थी, तो ये की थी आनंद संबत के द्वारा। तो देखिए अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा विद्वान है जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः कल्पित माना था, ये जाली ग्रंथ माना था, तो ये रामचंद्र शुक्ल होंगे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है या फिर अप्रमाणिक, तो इन्होंने इसे प्रमाणिक माना है। जो मिश्र बंधु थे इन्होंने भी इसे प्रमाणिक ही माना है। अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए तो इन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। अगला प्रश्न देखिए 67, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये किसने कहा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। अगला है कीर्तिलता की रचना कितने पल्बों में की गई है, तो जो कीर्तिलता है इसकी रचना की गई है 4 पल्बों में, बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कीर्तिलता किसकी रचना हो जाएगी, तो ये विद्यापति की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 69, सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दुहा के नाम से निकाला था, प्रस्तुत कथन किसका होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए 70, शारंगधर की हमीर रासो रचना पर अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का समापन कौन मानते हैं, तो ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है नाथपंथियों की भाषा का सदुकड़ी किसने कहा है, तो जो नाथपंथों की भाषा को सदुकड़ी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी प्रकार कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा था, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। ये भी कहा जाता है कि जो नाथपंथियों से ही कबीरदास ने सदुकड़ी भाषा को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है 72, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इतिहासकार ने क्या है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है, तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए, तो यहाँ से देखिएगा एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि यहाँ पर आपको 4 विद्वान दिए जाएंगे, एक दिए जाएंगे गणपति चंद्रगुप्त, एक दिए जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र, एक दिए जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक दिए जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस इतिहासकार ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, तो जो डॉक्टर नगेंद्र होंगे इनके द्वारा इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया है, इन्होंने इतिहास ग्रंथ को सिर्फ संपादित किया है। बाकी जो 3 विद्वान होंगे गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों के द्वारा ही इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न है 73, सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को कहा है, तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसकी भाषा को कहा है सुनीति कुमार चटर्जी ने, प्राचीन कोसली। अगला देखिए 74, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहासकार थे, तो जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना है। बाकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यान, इन तीनों के द्वारा ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना गया है। अगला है 75, हिंदी का संतमत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, किसका मत होगा ये, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही मत है कि जो हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था तथ्य।
फिर देखिए 76 हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही होगा। द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। फिर है 77 प्रमाण रासों को अर्धप्रमाणिक किसने माना है? तो जो प्रमाण रासो है इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अर्धप्रमाणिक माना गया है। इसी प्रकार जो अपना पृथ्वीराज रासो है इसे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अर्धप्रमाणिक माना गया था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा काल है जिसमें अत्यधिक अर्धप्रमाणिक किया उस काल की रचनाओं को जाली ग्रंथ ठहराया गया है, तो वो काल होगा आदिकाल। तो देखिए जैसे अपना परमाल रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, कुमार रासो हो गया, इन सभी ग्रंथों के ऊपर अलग अलग विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह उठाए थे, इसलिए इन्हें अर्धप्रमाणिक, प्रमाणिक या फिर जाली ग्रंथ ठहराया गया है। अगला प्रश्न है 78 हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने उत्तर अपभ्रंशकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है, प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का ही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये इनके द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास हैं। तीन इतिहास ग्रंथ इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं जो यहाँ पर इतिहास ग्रंथ के तौर पर ठहरते हैं। फिर देखिए 80 अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो जो पुष्पदंत है इन्हें अभिमान मेरु कहा जाता है। अगर पूछा जाए पुष्पदंत का संबंध किस धर्म से रहा है, तो ये भी जैन साहित्यकार के तौर पर जाने जाते थे और इनका संबंध आदिकाल से रहा है। अगला प्रश्न है 83 भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हिंदी। अगर पूछा जाए भाषा के तौर पर, अगर ये पूछा जाए बोली के तौर पर, तो ये भोजपुरी हो जाएगी। अगर ये प्रश्न बने आपसे कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 84 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो ये अनुच्छेद 343(1) के अनुसार होगा, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 85 हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 86 मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो जो मैथिली होगी ये बिहार राज्य की भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है 87 भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो ये मैथिली चरण गुप्त हो जाएंगे। और किन्होंने मैथिली चरण गुप्त को भारत का राष्ट्रकवि कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 88 आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि जो महादेवी वर्मा है इनका संबंध किस बात से रहा है, तो इसका भी आप उत्तर दीजिएगा, महादेवी वर्मा किस बात से रही हैं। अगला प्रश्न है 89 हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन विद्वान है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत। तो जो सुमित्रानंदन पंत है इनकी जो प्रथम रचना मानी जाती है गिरजे का घंटा, ठीक है। पल्लव इनकी अत्यधिक प्रचलित काव्य संग्रह के तौर पर जाना जाता है, और जो परिवर्तन नामक इनकी कविता है तो ये परिवर्तन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है 90 कलम का सिपाही किसे माना जाता है? तो जो मुंशी प्रेमचंद है इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। इनकी जो धर्मपत्नी थी शिवरानी देवी, इनके द्वारा प्रेमचंद घर में है नामक इनकी जीवनी लिखी गई है। उसी प्रकार से इनके पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने भी इनके ऊपर जीवनी लिखी है, तो उसका नाम है कलम का सिपाही। अगला है 91 साहित्यकार अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो जो साहित्यकार थे अज्ञेय, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। इसे नोट कीजिएगा, कई बार इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो अज्ञेय जी हैं इनका पूरा नाम क्या था, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय इनका पूरा नाम था। तो यहाँ पर देखिएगा
इनकी कई रचनाएं पूछी जाती है और कई काव्य संग्रह पूछे जाते हैं। तो इनकी जो अत्यधिक प्रचलित कविता थी असाध्य वीणा, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो असाध्य वीणा किसकी कविता है, तो अज्ञेय की कविता इसे माना जाता है, ये लंबी कविता है इनकी। इसी प्रकार इनकी जो दूसरी है सांप, ये भी इन्हीं की कविता है। अगर इनकी जो उपन्यासों के बारे में हम चर्चा करें, शेखर एक जीवनी इनकी प्रचलित और मुख्य तौर पर जाने जाने वाली रचना है उपन्यास के तौर पर, शेखर एक जीवनी। अपने अपने अजनबी, यह भी इन्हीं का रचित उपन्यास है। अज्ञेय के द्वारा ही जो अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्हें आधुनिक काल का बाणभट्ट कहा है। अगला प्रश्न देखिए 92, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? पात्र नहीं होगा यहाँ पर, पत्र होगा। तो जो उदंत मार्तंड है, इसे हिंदी का प्रथम पत्र कहा जाता है और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न देखिए 93, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के ये अनमोल वचन हो जाएंगे? तो देखिए ये डॉक्टर कामिल बुल्के हैं, एक तौर पे ये एक अंग्रेज थे, फिर भी इन्होंने भारत में संस्कृत को माँ कहा है, हिंदी को बहुरानी कहा है और अंग्रेजी को नौकरानी कहा। अगला प्रश्न देखिएगा 94, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जो कालिदास हैं, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर का संबंध किस भाषा से रहा था? तो अंग्रेजी भाषा से संबंध रहा है शेक्सपियर का। अगला प्रश्न देखिए 95, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो ये होगा नरसिंहपुर को। अगला देखिए 96, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो उर्वशी को। अगला है 97, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आगरा में किया गया है। अगला प्रश्न है 98, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो ये भारत देश में बोली जाती हैं। अगला है 99, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 22 भाषाएं हैं। अगला है 100, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अगला है 101, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये राधेलाल द्विवेदी होंगे। फिर है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये यामा के लिए दिया गया था। इनकी जो प्रमुख रचना है नीरजा होगी, ये भी इनकी प्रमुख रचना है नीरजा। अगला देखिए 103, आधुनिक युग के चरण हैं, तो बताना है कि आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। अगला है 105, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वीराज रासो है, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और जो चंद्रप्रदाय इसके रचनाकार हो जाएंगे। इसी के साथ देखिए 2-4 प्रश्न और बता देता हूँ आपको। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना हो जाएगी और इसकी भाषा पूछी जाए तो ये अवधि हो जाएगी। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सुरसागर किसकी रचना हो जाएगी? तो ये सूरदास की रचना हो जाएगी और इसकी रचना, इसकी जो भाषा होगी ब्रजभाषा में ये रचित है। फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो पद्मावत है ये किसकी रचना है? तो जो पद्मावत है ये जायसी की रचना मानी जाती है और अगर इसकी भाषा पूछी जाए तो इसकी भाषा अवधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 106, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? यहाँ पर गद्य नहीं, गद्य होगा। तो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हो जाएंगे हजारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आ गया है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादक पद कब संभाला था? तो 1903 से लेकर 1920 तक, 1820 तक मान सकते हैं आप। तो जो जब से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था, उसके पश्चात से इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएँ लिखनी और छापनी शुरू कर दी थी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जो अगर आपने सरस्वती पत्रिका में कविताएं छपवानी हैं तो आपको खड़ी बोली में ही लिखना पड़ेगा। इसी के साथ आपको व्याकरण की शुद्धता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही किसी रचना को ये नहीं छापते थे। अगर मान लीजिए कोई इनके पास रचना छापने को देता था तो पहले ये इसे अच्छे से पढ़ते थे, अगर और कोई व्याकरणिक दोष वहाँ पर होते थे तो उन्हें सुधार करने के लिए। तो देखिए एक बार की बात आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक बार ऐसा होता है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके समक्ष आ जाती है निराला जी की एक रचना। कौन सी रचना थी वो?
जूही की कली। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जूही की कली को देखते हैं तो ये इसे छपवाने से इनकार करते हैं। तो छपवाने का कारण ये कहते हैं कि इसमें जो जूही की कली है इसमें अश्लीलता पाई गई है, इसलिए मैं इस कविता को नहीं छाप सकता। तो ठीक है, इन तथ्यों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 107, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन थे? तो जो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अगर हिंदी साहित्य में अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में वो कौन सा विद्वान है जिसे हिंदी का अग्रदूत कहा जाता है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म पूछा जाए तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म। कई विद्वान जो हिंदी साहित्य का जो वास्तविक रूप है इसका आरंभ 1850 से ही मानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 108, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो जो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक थे हरिवंश राय बच्चन। जो हरिवंश राय बच्चन हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, इन दोनों में अंतर है, इन्हें एक ना मानिएगा। जो हरिवंश राय बच्चन हैं ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, और जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं इनके द्वारा हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा 109, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो माना है तो ये इंदुमती को माना है। सर्वप्रथम किसने इंदुमती को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना था? तो ये माना गया था अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो ये 1900 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो किस युग से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है 1900 से। ठीक है, 1900 से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? तो जो सिद्ध सरहप्पा है इन्हें हिंदी के प्रथम कवि के तौर पर जाना जाता है, और इनका जो समय है ये 9वीं शती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए जो सरहप्पा है इन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया था, किसके द्वारा माना गया था, तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया था। अगला प्रश्न है 111, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो जो श्रावकाचार्य है ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, तो आचार्य देवसेन के द्वारा इसे लिखा गया है, और जो देवसेन थे इनका संबंध जैन साहित्य परंपरा से रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 112, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है ये परीक्षा गुरु है, और श्रीनिवास दास के द्वारा इसे लिखा गया है। अगला प्रश्न है 113, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो जो संवाद कौमुदी है इसे हिंदी की प्रथम पत्रिका कहा जाता है। फिर है 114, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन थे? तो जो ये विद्यापति थे ये हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक थे। अगला है 115, हिंदी की सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये समाचार सुदर्शन था, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। फिर हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो ये एक घूंट, इसे हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है, और जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हो जाएंगे। फिर देखिए 117, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो जो मैला आंचल उपन्यास है इसके लेखक हो जाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो मैला आंचल है ये किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये एक आंचलिक उपन्यास है, इसी उपन्यास से आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न देखिए 118, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है? बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, और वो कौन कौन से 4 कालखंड है? तो देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो कई बार यहाँ नामकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है इसे आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया गया था। अगर ये प्रश्न पूछा जाए आदिकाल को वीरगाथा का नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो आदिकाल को वीरगाथा का नाम दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आदिकाल को इसके पश्चात जो मध्यकाल है इसे भक्तिकाल भी कहा जाता है, और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है सीधे सीधे हिंदी साहित्य का वो कौन सा काल है जिसके नामकरण पर सर्वाधिक विवाद है, तो ये आदिकाल ही होगा। कई विद्वानों के द्वारा से कई नाम प्रदान किए गए हैं, इसलिए ये सर्वाधिक विवाद से भरा हुआ काल माना जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। हमने लगभग 118 प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर हम तथ्यों की बात करें तो ये लगभग 200 प्रश्नों के और इंगित हो जाते हैं, लगभग 200 प्रश्न।
अगर आपने इसे ढंग से पढ़ा होगा, इस वीडियो को ढंग से देखा होगा, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने वीडियो को समापन कर लेते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। तो ठीक है, थैंक यू।